नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए सरकार ने लिया यू टर्न, भारी विरोध के बाद वापस लिया नोटिफिकेशन, अब कभी भी पैसा निकाल सकेंगे, पहले जैसा नियम लागू। पठानकोट हमले में मसूद अजहर समेत 50 लोगों से पूछताछ के लिए एनआईए ने तैयार की सूची, अगर इजाजत मिली तो एनआईए करेगी पूछताछ। कृपाल सिंह को अंतिम विदाई, पैतृक गांव मुस्तफाबाद में किया गया अंतिम संस्कार, लाहौर की कोट लखपत जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में दर्दनाक हादसा, मकान गिरने से 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर, फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर मौजूद। आज है इंटरनेशनल योग फेस्टिवल, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में करेंगे उद्घाटन। चीन के सामने आतंकी मसूद अजहर को बैन का मुद्दा उठाएगा भारत, भारत चीन वार्ता के लिए बीजिंग चीन पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। आईपीएल 9 में केकेआर की शानदार जीत, पंजाब को 6 विकेट से हराया, आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें, देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।